शमी वृक्ष की पत्तियां, शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां जब अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को पांच जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने के लिए। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है, चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है, पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाया। पांच स्थान है हमारा शमी पत्र को समर्पित करने। पांच स्थान दिए शमी पत्र को आप पांच चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की मात्र